मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप सभी बखूबी वाकिफ है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ साथ आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में हार का सामना किया समाजवादी पार्टी ने। वहीं दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत हासिल करती हुई दिखाई दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर से जुड़कर लगातार कई ऐसे फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से वह मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए जहां एक तरफ जनता के हित के लिए वह तमाम अहम फैसले ले रहे हैं और उनके फैसलों से काफी ज्यादा खुश हैं। जी हाँ, आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव के बारे में। अपर्णा विष्ट यादव जो राजनीति की दुनिया का जाना माना नाम बन चुकी हैं, जब से उन्होंने समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़ा है और दामन थामा है भारतीय जनता पार्टी का, तब से वह लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और उनके मंत्रिमंडल का गठन किया गया, दावा किया जाने लगा कि अपर्णा विष्ट यादव को इस कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। अब इसके बाद कयास लगाना शुरू हो चुका है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, ठीक उन्हीं की तरह उनको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव तो अब निकल चुके हैं। दावा किया जा रहा था कि आजमगढ़ से उन्हें उतारा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अपर्णा विष्ट यादव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तमाम छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। सोशल मीडिया पर हाल ही में अपर्णा ने एक पोस्ट शेयर किया है, तमाम तस्वीरों को शेयर किया है और महिलाओं के सम्मान में उन्होंने बात लिखी है। दरअसल एक और कार्यक्रम का वह हिस्सा बनी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपर्णा विष्ट यादव के इस लेटेस्ट पोस्ट के बारे में जो आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ द्वारा आयोजित किया गया एक कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के दौरान की अपर्णा ने तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा है, मोहन सिंह विष्ट सभागार महापरिषद भवन कुर्मांचल नगर लखनऊ में। उत्तराखंड महापरिषद महिला शाखा व उत्तराखंड महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा आयोजित सावन उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर विशिष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। जी हाँ, इस तरीके से अपर्णा विष्ट यादव ने यहाँ पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि वह महिलाओं को सम्मानित की और इसको लेकर वह काफी ज्यादा खुश है। फिलहाल देखा जाए सोशल मीडिया पर अपर्णा की इस पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है और मांग एक बार फिर से करना जल्द ही शुरू होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर साल 2024 का जो मिशन है बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो मास्टर प्लान बनाया है, पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बना दिए गए हैं। अमित शाह ने हाल ही में ऐलान किया था और अब साल 2024 में अपर्णा विष्ट यादव को क्या कुछ शानदार पद पर बिठाया जा सकता है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।